हमने वादा किया था कि जब तक हम गैस टीचरों को हमने नियमित कर दिया है, तो उससे बहन जी बहुत परेशान थी कि कोई न चढ़े ऊपर, बिल्कुल नहीं चढ़ा। निश्चित हमें पता है कि 17 फरवरी 2018 को ना है पूरा करनाल सारा का सारा जारी नहीं है। आप आ जाइए, मतलब माँ का फर्ज बहुत बड़ा फर्ज होता है। आप आ जाइए बहन जी, आ जाइए। बच्चे की क्या मांग उनकी, क्या लिखते हो बुलाते का प्रसाद बुलाते नहीं ये छोटा मामला नहीं है कि किस तरह से महिला गेस्ट ना पड़ा, ये सब जरूरी सवाल था। लेकिन आप देख सकते हैं कि बीएसपी करनाल हर विषय पर महिला पुलिस फोर्स तमाम हो वो यहाँ पर है। जितनी भी आपके क्वेश्चन है सबके जवाब दिए जाएंगे। थोड़ा सा साइड में मीडिया से भी अनुरोध है, थोड़ा सा रुक जाओ। मेरे सभी बहन भाइयों से अपील है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस तरह के नारे सीएम सिटी के नाल में अतिथि अध्यापक लगा रहे हैं, उनका कहना है सत्ता में हमारी सरकार आएगी, हम पहले कलम से आपको पक्का करेंगे और साथ साथ वो रिटायर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी देखे गए थे कि आपको भी आरियर भी मिलेगा। उसके बाद भी आज तक हम जैसे गेस्ट लगे थे वैसे के वैसे ही, उनकी झूठे वादों से दुखी होके हमारे लिए मुंडन करवाया अपने अतिथि अध्यापकों के परिवारों के लिए 13,000। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में खट्टर है, खट्टर ने झूठ का पिटारा है, इसने कहा बहन जी सब मिट्टी हुई 2018 में और 18 फरवरी का भाई मीडिया वालों और आप, तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है करनाल की प्रशासनिक जो पुलिस है उसके ऊपर और मीडिया के ऊपर कि वो मेरा जो विश्वास से इन्होंने मुझे नीचे उतारा वो विश्वास मेरा नहीं टूटने देंगे। और मेरे सभी अतिथि अध्यापकों से निवेदन है कि वो शांति बना के रखें। मेरा एक ही निवेदन है सभी से कि पहले शांति से बैठे भाई, मेरे को बड़ी घबराहट हो रही है। इसलिए मेरे चलने का मेन उद्देश्य यही था कि सर सरकार हमारे साथ 14 सालों से वादा खिलाफी करती है। 14 साल हो गए सर, 14 साल। मेरा एक भाई जो अमरन अनशन पे बैठा है, 15 सितंबर को उसका बर्थडे है, वो 55 साल का हो जाएगा अपने रोजगार के लिए भाई। और आप समाचार पत्र उठा लो, मीडिया का कोई भी आपका इसका ट्विटर देख लो, कहीं इसकी फेसबुक इसका जो अकाउंट चलता हुआ, हम लगा रखा है आज भी किसी को रेगुलर कर दिया। आज भी मुख्यमंत्री सिरसा हिसार फतियाबाद गया हुआ है और आज भी इसने ये लगाया हुआ है कि हमने गेस्ट अतिथि अध्यापकों को उनका मान सम्मान लौटाया, उनको समान काम समान वेतन दिया और उनको पक्का किया, जबकि सरासर सारी झूठ है। नियमित किया, कोई नियमित नहीं। 58 साल का जो एक्ट पास किया वो एक नंबर का झूठा घोसला, कुछ नहीं है भाई उसमें। सारे गेस्ट अतिथि अध्यापक जैसे पहले थे वैसे के वैसे हैं। कोई भी रेगुलर मास्टर आता है तो प्रिंसिपल बोलता है मास्टर जी या गेस्ट है या परमानेंट है, क्यों भाई गेस्ट खातर कोई अलग मार्केट है के सस्ता है क्या वो काम कम करता है? कोई मरने का शौक नहीं है सर, अपने रोजगार रोजी रोटी के लिए मर रही हूँ। मैं एक शहीद की पत्नी हूँ, उनका भी अब तक मेरे को कोई फंड नहीं मिला। मेरे बच्चे का लालन पोषण मैं कहाँ से करूँ? मैं शारीरिक रूप से विकलांग हूँ, मैं काम नहीं कर सकती सर, मैं मेरी मजबूरी है मर रहा। इसलिए मैं अपने बहन भाइयों के रोजगार के लिए मैंने कदम उठाया। मुझे क्या एक माँ का बेटा प्यारा नहीं है? एक माँ का बच्चा सबसे प्यारा होता है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं इस भाजपा सरकार की वादा खिलाफी की वजह से। आए दिन बेटी बचाओ बेटी का नारा देती है ये झूठे बात, क्या चीज होती है बेटी बचाओ बेटी का नारा। हमें रोज स्कूलों में कभी कोई प्रोग्राम करवाती, कभी कुछ प्रोग्राम करवाती सर, ऐसा कुछ नहीं है। प्राचीन काल से जो प्रथा चली आ रही थी मुंडन की, उसमें भाजपा सरकार ने पूरे देश को झकझोर कर दिया एक विधवा का मुंडन करा के, और फिर वादा करती है कि हम तुम्हें समान काम समान वेतन देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम इक्वल और कुछ नहीं मांग रही है। अखबारों से बड़े पड़े हैं, उसमें सब कुछ लिखा गया है। अपील हमने बहुत कर चुके, हाथ जोड़ चुके हैं। इसने ड्रामा दी, इसे कहता है ऊपर चढ़े तो मैं कूद जाऊंगा, हम ऊपर होंगे अपने कुर्ते से मिले मिले।